नमस्ते प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कक्षा दो का पाठ चार पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। तो बच्चों, ये जो कहानी है एक हवा और सूरज की है। एक बार इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई थी कि हम दोनों में अधिक बलवान कौन है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, ये कहानी है हवा और सूरज की। कैसी लगी आपको? मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको बार बार सुनो और आज आपने इस कहानी को रात को याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।